जय माता जी की हुकम। आज हम ओल्ड राजपूत वॉरियर तलवार के बारे में बात करेंगे और इसको देखेंगे कि पुरानी तलवार कैसी होती थी और उनकी बनावट किस तरीके से होती थी और उनकी धार आज भी कितनी मजबूत है। तो इस वीडियो में आप देखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे घर पे एक तलवार पड़ी है पुरानी, तो इस तलवार के बारे में अपन देखेंगे और किस तरीके से इसकी बनावट है वो उसके बारे में पूरा आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। पुराने ज़माने से लेके अब तक तलवार एक ऐसा वेपन है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। आज भी इसको बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ ये एक ही वेपन होता था जो जिसकी मजबूती इसको खास करके इसको बनाई जाती थी, क्योंकि ये एक ही वेपन था जो दुश्मनों से लोहा ले सकते हैं अपन। ये आज भी इतना यूज होता है और पहले भी इतना यूज होता था। तो देखते हैं इस ये पुराना जो है उसकी उसमें क्या खास बात है जो आज के ज़माने की तलवारों में अपन को देखने को नहीं मिलती है। तो देखें वीडियो को। ओल्ड राजपूत वॉरियर की तलवार है और ये तलवार आज से 120 साल पुरानी तलवार है, और जिस समय पहले युद्धों में वगैरह भाग लिया जाता था तो इसी तरीके की जो राजपूत से वो तलवार रखते थे अपने पास में। और ये जो ऊपर इसका जो मुंह दिख रहा है आपको तलवार का, ये सोने से पेंट है और अभी काफ़ी इसका जो पेंट उतर चुका है क्योंकि काफ़ी पुरानी है इसको। और ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी तलवार है, ये अभी लगभग आप देख सकते हैं इसकी हाइट, अनुमान लगा सकते हैं कितनी लंबी है। और इस तरीके की तलवारें आज बनना बंद हो गई है, इस मजबूती की तलवारें आजकल बनना बंद हो गई है। और इसका जो हैंडल है काफ़ी तगड़ा हैंडल है और काफ़ी इसमें ग्रिप बहुत शानदार रहता है। इसमें आप इसको पकड़ोगे तो इसमें बहुत तगड़ा ग्रिप रहता है, इस तलवार में कंफर्टेबल ग्रिप है। एक हाथ में जो ये घूमने का भी इसका शानदार रहता है और पीछे इसको ये भाग कवर करता है। और इसका जो अभी वेट होगा, मैंने इसको हाथ में लिया है तो इसका वेट लगभग 3.5-4 किलो वेट है इस तलवार का। और ये यहाँ से ऊपर से जब स्टार्ट होती है ये पतली होती है, और थोड़ा नीचे जाने पर इसका जो ये वाला नीचे वाला भाग है ये थोड़ा चौड़ाई में बड़ा होता है, क्योंकि जो जब कभी भी वॉर वगैरह होते थे तो जब सबसे ज़्यादा यूज वाला भाग जो ये नीचे वाला भाग ही आता था, क्योंकि इस भाग को ही सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आता था, क्योंकि आपस में जब तलवार टकरी थी तो सबसे नीचे वाला जो दुश्मन सैनिक भी थोड़ा सा आगे रहता है तो उसकी वजह से ये थोड़ा इस तरीके से यूज़ में आता था। और मैंने आपको ये राजपूत स्वॉर्ड बताई है जो काफ़ी पुरानी है, और इसकी धार आप देख सकते हैं, इसकी जो धार है वो ब्लेड से कम नहीं है। आज भी इसकी धार, ये इतनी पुरानी है लेकिन इसकी धार उतरी नहीं है, आज भी इसकी धार काफ़ी अच्छी धार है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको जो साफ करते हैं तलवार को, इसको अगर आप आपके घर पे भी ऐसी पुरानी तलवार हो तो इसको साफ करने का एक तरीका होता है। इसको आप वहाँ पे जैसे धार करवाना चाहते हो तो यहीं से धार होती है, लेकिन ये पूरी जो यहाँ से पुराना वाला जो एक ब्लैक कलर का जो लोहे के ऊपर जंग दिख रहा है इसको आप है ना जो आपके घर में नारियल होते हैं उसकी सटकों से घिस के आप इसको उतार सकते हैं। हमने इसको हर साल में एक बार इसको नारियल से घिस के उतार देते हैं जिससे अभी ये सुरक्षित रहती है और घिसती कम है। देख सकते हैं आप इसका जो मुंह है कितना प्यारा लग रहा है, शानदार।